सुप्रभात बच्चों, पुनः आपका मेरे वीडियो चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। बच्चों, आज हमारी चर्चा का विषय है संबंध बोधक पदों का परिचय कैसे लिखा जाए। यानी आज हम इस चर्चा में जानेंगे कि वाक्य में जो समुच्चय बोधक पद आते हैं उनका परिचय कैसे लिखा जाता है। बच्चों, इसके पहले व्याकरणिक श्रृंखला में मैंने दूसरे पदों की चर्चा की है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और संबंध बोधक की बात की गई है। आज हमारी चर्चा का विषय है समुच्चय बोधक। तो चर्चा को शुरू करने से पहले हमें इन तथ्यों से आश्वस्त होना है, इसे बखूबी जानना है कि आखिर समुच्चय बोधक क्या है। क्योंकि जब तक हम समुच्चय बोधक को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उसका हम पद परिचय कैसे लिखेंगे। पद परिचय लिखने के लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले पद की पहचान की जाए। तो बच्चों, वाक्य में जोड़ने का जो काम करता है, यानी खास तौर से ऐसी स्थितियां संयुक्त वाक्य की हुआ करती है जिसमें समुच्चय बोधक पदों का प्रयोग किया जाता है। आपने रचना के आधार पर वाक्य जो तीन भेद हैं, सरल वाक, संयुक्त वाक और मिश्र वाक, इसे आपने बखूबी पढ़ा है। यहाँ पर आप इसे समझने के लिए संयुक्त वाक्य की संरचना को मस्तिष्क में रखें, तब समझने में काफी सहूलियत होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चों, जब हम ये जान लेते हैं कि समुच्चय बोधक क्या है, फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ जैसा कि मैंने संयुक्त वाक्य का नाम लिया, संयुक्त वाक्य की परिभाषा होती है बच्चों कि जहाँ दो स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक यानी योजक से जुड़े हों, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और इसी योजक का हमें परिचय लिखना है, जिसे हम समुच्चय बोधक पद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दो स्थितियां हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण, एक कि पद की पहचान और दूसरा उसका परिचय लिखा जाए। और परिचय लिखने से पहले समुच्चय बोधक के कौन से आवश्यक बिंदु हैं, कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, उन पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम उन स्थितियों को, उन बिंदुओं को जानेंगे नहीं, पद परिचय कैसे लिखेंगे। इसलिए इस चर्चा में हमारा ध्यान सबसे पहले समुच्चय बोधक की तरफ जाएगा कि हम वाक्य में समुच्चय बोधक पद की पहचान कैसे करें। क्योंकि जैसे ही हम समुच्चय बोधक पद की पहचान कर लेंगे, हमारी आधी परेशानी दूर हो जाएगी। यहाँ सबसे पहले जब हम पद की पहचान कर लेंगे तो किन आवश्यक बिंदुओं की चर्चा करनी है उस पर हम नजर डाल देते हैं। आपकी सुविधा के लिए बच्चों मैंने इसे व्हाइट बोर्ड पर लिखा है ताकि आपको परेशानी नहीं हो, बखूबी आप सुने भी, देखे भी और समझने का प्रयास करें निसंकोच, बाधा रहित। समुच्चय बोधक का भेद पहले लिखा जाता है, पद की पहचान के बाद समुच्चय बोधक के भेदों की हम चर्चा करेंगे, जिसमें संयोजक आता है, विभाजक आता है, विरोध दर्शक आता है, परिणाम दर्शक आता है, कारणवाचक आता है, स्वरूप वाचक आता है, उद्देश्य वाचक आता है और संकेत वाचक आता है। ये अलग अलग भेद निर्धारित किए गए हैं। अलग अलग वाक्य की स्थितियां होती है, उसी के अनुसार समुच्चय बोधक का प्रयोग होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही सब तरह के वाक्य में एक ही तरह का समुच्चय बोधक लगाया जाए, ऐसा कदापि नहीं होता। ये समझने वाली बात है बच्चों, इसे बखूबी हम जानेंगे कि आखिर हम अलग अलग वाक्य की रचनाओं में अलग अलग समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग समुच्चय बोधक पदों का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है संबंध। हम बताएंगे कि किन दो पदों को जोड़ने का काम कर रहा है,
किन दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, उन पदों को उन उपवाक्यों का हम उल्लेख करेंगे जिन्हें समुच्चय बोधक जोड़ने का काम कर रहा है। तो बच्चों ये बातें साफ हो गई कि हमारा सबसे पहला काम है वाक्य में प्रयुक्त संबंध समुच्चय बोधक पदों को पहचानना और उसके बाद उसका परिचय लिखना, और परिचय लिखने के लिए इन आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देना। इतनी सी चर्चा स्पष्ट है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और पुनः इन चर्चाओं के उपरांत हम अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पद परिचय कैसे लिखा जाता है समुच्चय बोधक पदों का। मैंने एक छोटा क्लू दिया था और उसमें मैंने बोला था कि समुच्चय बोधक की पहचान के लिए संयुक्त वाक्य की रचना को मस्तिष्क में रखना जरूरी है। पुनः एक बार मैं इस पर चर्चा करूं ताकि आप की कोई समस्या आपको समझने से रोके नहीं। यहाँ यह जानना जरूरी है बच्चों कि संयुक्त वाक्य वैसे वाक्य हैं जहाँ पर दो स्वतंत्र उपवाक्य योजक से जुड़े होते हैं, यानी योजक को ही समुच्चय बोधक कहते हैं। ये बातें हमेशा मस्तिष्क में रखनी है। क्यों रखनी है बच्चों? ताकि आप बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से पहचान सके, जान लें, समझ लें कि समुच्चय बोधक पद कौन सा है। अब चलिए उदाहरण से ये बातें और भी स्पष्ट होंगी कि आखिर कैसे पहचानेंगे। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है बच्चों आपके लिए, सुनीता दूध नहीं लाई। बहुत ही छोटा सा वाक्य है, सुनीता दूध नहीं लाई इसलिए बच्चों ने दूध नहीं पिया। अब यहाँ आप गौर करें, मैं संयुक्त वाक्य की रचना की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा था ताकि योजक को आप बखूबी समझें। मेरा मकसद यही था, योजक को समझाना ही हमारा मकसद था, इसलिए मैं बार बार संयुक्त वाक्य की रचना की तरफ आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। और ये वाक्य संयुक्त वाक्य ही है बखूबी रचना के अनुसार। यहाँ हम देखिए कि सुनीता दूध नहीं लाई अपने आप में स्वतंत्र है, बच्चों ने दूध नहीं पिया ये भी स्वतंत्र है। ये दोनों उपवाक्य इस योजक यानी इसलिए से जुड़े हुए हैं। यदि इसलिए को हटा दिया जाए तो दोनों अलग अलग वाक्य हैं, दोनों के एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसलिए जोड़ दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं परिणाम की बात हो रही है। परिणाम इस संदर्भ में देखा जाए कि सुनीता दूध नहीं लाई इसलिए बच्चों ने नहीं पिया, दूध ना आई ना बच्चों ने पिया। अब यह गौर करने वाली बात है कि महज इसलिए लगने से परिणाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है नहीं। तो मेरा जो कहना था बच्चों, मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सबसे पहले हम समुच्चय बोधक पदों की पहचान करेंगे और उसके पहचान का सबसे सरल तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि हम सबसे पहले ये समझने का प्रयास करें, ये जानने का प्रयास करें कि वाक्य में कौन सा पद समुच्चय बोधक है। जब हम पद की पहचान कर लेंगे बच्चों, फिर हमारी परेशानी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पद की पहचान के बाद तो फिर जो आवश्यक बिंदु हैं उसके आधार पर उसका हम भेद निश्चित रूप से लिख लेंगे। तो चलिए, सुनीता दूध नहीं लाई इसलिए बच्चों ने दूध नहीं पिया जो इसलिए पद है, यही समुच्चय बोधक है, इसलिए हमने इसे छांट लिया। इसलिए समुच्चय बोधक पद है इसलिए हमने यहाँ छांट लिया। सबसे पहले उसका भेद लिखेंगे, हम जान गए कि इसलिए समुच्चय बोधक है और भेद में परिणाम दर्शक परिणाम की बात कर रहा है। दूध नहीं आई इसलिए बच्चों ने दूध नहीं पिया, परिणाम की तो बात है, इसलिए हम भेद लिखेंगे परिणाम दर्शक। और संबंध बताना है, सुनीता दूध नहीं लाई बच्चों ने दूध और बच्चों ने दूध नहीं पिया उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी दो उपवाक्य हैं जिसे जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यह
समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक का अर्थ ही होता है जोड़ने वाला, जिसे इंग्लिश में हम कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। आपने बखूबी पढ़ा होगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण के साथ साथ अंग्रेजी व्याकरण भी आप पढ़ते हैं, बखूबी जानते हैं। एक भाषा के व्याकरण को जानने के लिए दूसरे भाषा के व्याकरण को भी थोड़े अंशों में जानना ही पड़ता है, ताकि कठिनाई ना हो। तो बच्चों, यहाँ इस उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट है कि जो इसलिए है, इन दो पदों को जोड़ने का काम कर रहा है, इन दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए समुच्चय बोधक पद है। और उसका भेद होगा परिणाम दर्शक, यानी परिणाम को दर्शा रहा है। इसके बाद एक और उदाहरण है हमारे सामने बच्चों, जिसके द्वारा और भी बातें स्पष्ट होगी कि आखिर समुच्चय बोधक क्या है। हम कंप्यूटर खरीदेंगे या बड़ा टेलीविजन लेंगे। हम कंप्यूटर खरीदेंगे, एक उपवाक्य है, स्वतंत्र है, या बड़ा टेलीविजन लेंगे, ये भी स्वतंत्र है। यहाँ जो या है बच्चों, यह समुच्चय बोधक पद है, और इसी या का परिचय हमें लिखना है। यही या इन दोनों पदों को जोड़ने का काम कर रहा है। जाहिर सी बात है कि जो पद वाक्य में जोड़ने का काम करता है, वही समुच्चय बोधक कहलाता है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं सही जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि व्याकरण की एक छोटी से छोटी बारीकियों को आप बखूबी समझने का प्रयास करें। व्याकरण की हर छोटी सी बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हर एक छोटी सी बात पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहा हूं, आकृष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि भविष्य में कोई गलती ना हो और आप दूसरों का भी ज्ञान वर्धन करा सकें। ये हमारी गुजारिश है आपसे। तो हमने इस वाक्य में पहचान लिया कि कौन सा पद है जो समुच्चय बोधक है। तो बच्चों, हम कंप्यूटर खरीदेंगे या बड़ा टेलीविजन लेंगे, इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का काम या कर रहा है, इसलिए या ही समुच्चय बोधक पद है। या ही समुच्चय बोधक पद है, जिसे हम बखूबी जानेंगे। अब या समुच्चय बोधक है, और उसके बाद हम भेद लिखेंगे। तो विभाजक विभाजन का काम कर रहा है, बांट रहा है। नहीं, वाक्य है बच्चों कि हम कंप्यूटर खरीदेंगे या बड़ा टेलीविजन लेंगे। कंप्यूटर खरीदने की बात है या फिर टेलीविजन लेने की बात है, दोनों में से कोई एक, तो कहीं न कहीं विभाजन की स्थिति है, इसलिए हम लिखेंगे समुच्चय बोधक और विभाजक। इसके साथ संबंध, तो संबंध क्या है? हम कंप्यूटर खरीदेंगे या बड़ा टेलीविजन लेंगे, दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। यानी समुच्चय बोधक दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने का ही काम करता है, इसलिए इसे समुच्चय बोधक कहा जाता है। तो बच्चों, इन दोनों उदाहरणों से ये बातें स्पष्ट हो जाती है कि आखिर समुच्चय बोधक पद क्या है और उसका परिचय कैसे लिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि इस समझने में कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने बड़ी स्थिरता के साथ हर एक छोटी से छोटी बिंदु पर आपका ध्यान आकृष्ट किया, ताकि आपको कठिनाई ना हो, बखूबी आप समुच्चय बोधक पदों का पद परिचय लिख सकें। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। यदि परेशानी होगी आप कमेंट करेंगे, आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा, और निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि नई जानकारी आप तक पहुंचे। धन्यवाद बच्चों।